तुम जी क्या हाल है सबका। उम्मीद करते हैं सब एरिया से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज आपको बर्ड्स के शेड के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के मुतालिक बताते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी का जो है वो हमारे बर्ड्स के शेड में या मुर्गियों के फार्म में बहुत बड़ा अमल दखल है, जिसके बगैर हमारा बर्ड जो है अगर एग ले करेगा तो वो हैचिंग का बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हमारी मेहनत रायगा ना जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को माशाल्लाह पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, हम लोगों ने अपने फार्म या शेड वगैरह को शीट कवर कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने शेड वगैरह को, अपने केजिस को प्लास्टिक शीट के साथ कवर करें, मोटी शीट्स लगाएं अच्छे तरीके से, और अंदर बल्ब वगैरह का भी इस्तेमाल करें। आगे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसमें हमें बर्ड्स के मरने का खतरा कम होगा। और आपको पता है माशाल्लाह सीज़न शुरू हो चुका है, और सीज़न शुरू होने की वजह से माशाल्लाह बर्ड एग भी ले करेगा, और उनको हम लोगों ने डेड इन शेल से मोस्टली बचाना है, क्योंकि हमारा बर्ड मोस्टली डेड इन शेल करेगा। तो हम लोगों ने बर्ड को डेड इन शेल से बचाना है। तो आपका ये काम करना है, सबसे पहले तो आपने अपने फार्म को या शेड को अच्छे तरीके से शीट से कवर करके उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना है, अंदर बल्ब वगैरह लगाए, और साथ आपने एक रखना है टेम्परेचर मीटर, डिजिटल मीटर, उस पर आपको टेम्परेचर भी शो होगा और ह्यूमिडिटी भी शो होगी। कोशिश करें कि एक ऑटो सेंसर उसको साथ लगा दें ताकि वो टेम्परेचर मुकम्मल करके खुद ही ऑन ऑफ होता रहे। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने टेम्परेचर रखना कितना है। अगर आप इनक्यूबेटर में लगा रहे हैं तो इनक्यूबेटर को अंडे को हैच करने के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर है मुर्गियों वगैरह के लिए जो यूज़ होता है वो कम से कम आपका होना चाहिए 37.7 या 8, ठीक है, 37.5 से लेके 37.8 तक आपका टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप इनक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको उसके लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप बर्ड्स में यूज़ कर रहे हैं तो बर्ड का जो टेम्परेचर है रूम का वो 33 होना चाहिए, तो 33% परिंदों के लिए होना चाहिए उसके शेड का। और अगर आप इनक्यूबेटर में अंडे लगा रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं, तो वो आपका जो है वो 37.7 या 37.5 तक होना चाहिए। जो इनक्यूबेटर की मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये अभी आपको सिर्फ टेम्परेचर के लिहाज से बता रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा परिंदों के शेड का ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम से कम 60 होना चाहिए, 40 से नीचे जाएगा तो अनफर्टाइल पे जाएगा, 60 से ऊपर जाएगा तो वो आपका डेड इन शेल करेगा। तो कोशिश करें कि 60 तक हमारा टेम्परेचर रहे, उसमें ये भी आपको फ़ायदा होगा कि आपका बर्ड जो है जब अंडे ले करेगा, एग ले करने के बाद वो जब उसको हैचिंग का टाइम आएगा तो बच्चा खुद ही इजीली अंडे को हैच कर सकता है, इसकी वजह से आपका डेड इन शेल वाला मसला इंशाल्लाह नहीं पैदा होगा। तो ये आप अपने माइंड में रखें, शेड को कवर करने के बाद जो डिजिटल मीटर लगाएंगे या ऑटो सेंसर लगाएं उस पर आपका टेम्परेचर 33% होना चाहिए परिंदों के शेड में, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है 55 से लेके 60% तक होना चाहिए। कोशिश करें ऑटो सेंसर भी साथ यूज़ करें, अगर वो नहीं कर सकते तो वो टेम्परेचर लगा के उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।